नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस Audi 8L के ट्रांसमिशन पर काम करेंगे। आज हम इस ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन के फिल्टर को रिमूव करेंगे, इसके ऑयल को रिमूव करेंगे, इसकी गैस्केट चेंज करेंगे और इसका एक फिल प्रोसीजर होता है जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इसको कैसे फिल करना होता है, इसको एटलीस्ट 3 टाइम हमको फिल करना पड़ता है ट्रांसमिशन को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप हर एक चीज समझ पाओ। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, गाड़ी को हमने लिफ्ट पर लगा दी और अगर आपके पास भी लिफ्ट की एक्सेस है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सब लिफ्ट पर करो। तो कंपनी क्लेम करती है ZF के जो ट्रांसमिशन है BMW, Audi, Mercedes के अंदर कि ये लाइफ टाइम सील होते हैं, बट वो वारंटी अगर आप चेक करोगे तो वो सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक होती है या फिर 5 ईयर्स तक। तो जैसे गाड़ियां पुरानी हो रही हैं तो धीरे धीरे ZF के ट्रांसमिशन में आगे दिक्कत आने लगती है क्योंकि जो ऑयल है वो बर्नड हो जाता है और अच्छे से ल्यूब्रिकेशन नहीं दे पाता। तो ये गेयरबॉक्स जो है वो ZF कंपनी का बना हुआ है और हम इसके अंदर ओरिजिनल ZF का ही ट्रांसमिशन ऑयल यूज करेंगे। ये ट्रांसमिशन ऑयल ZF 8 सीरीज का है और ये थोड़ा सा महंगा आता है नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑयल से। ये ट्रांसमिशन ऑयल अराउंड 1900 का मुझे 1 लीटर पड़ा है। इसके अंदर 1940 की पैकेजिंग है, MRP है, बट इसके अंदर और जो नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑयल है उसके अंदर बहुत दिन रात का डिफरेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस बॉटल पे सारा लेबल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, पॉज करके इसको अच्छे से बॉटल को चेकआउट कर सकते हो। ये टोटल 8 लीटर है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बॉटल गाड़ी के अंदर है। तो ये सारा ही इस गाड़ी के अंदर हम आज यूज करेंगे। और जब भी आप ऑयल यूज करो मेक श्योर कि इसकी जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जैसे इसके अंदर 2022 है, तो ज्यादा पुराना ना हो। 1 साल 2 साल भी चल जाएगा, बट ये ना हो कि आप 5-5 साल पुराना ऑयल यूज कर रहे हो, तो वो रेकमेंड नहीं करता मैं। तो चलो मैं आपको इसका जो ट्रांसमिशन का फिल्टर है वो दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये रहा इसका ब्रांड न्यू ट्रांसमिशन फिल्टर और ये भी काफी एक्सपेंसिव से बात है। मैं एट दी एंड आपको बताऊंगा टोटल कॉस्टिंग। गाड़ी के नीचे जाकर दिखाऊं तो हमको इसके अंदर काफी सारी चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी ट्रांसमिशन के पैन को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमको इसका जो बार है यहाँ पर नीचे जो स्कफ प्लेट है वो रिमूव करनी और पीछे जो हमारा ट्रांसमिशन का माउंट होता है उसको रिमूव करना। उसके लिए आपको ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंडिंग जैक या हाइड्रोलिक जैक लगा दिया है ताकि जब हम इसका जो ट्रांसमिशन का माउंट है वो रिमूव करें तो ट्रांसमिशन यहाँ पर हिले नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्कफ प्लेट है जो कि हमारे जो चेंबर है ट्रांसमिशन का उसके नीचे लगी हुई है ताकि उसको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कूलर भी नीचे होता है तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है इसका जो फिल प्लग है जहां से हम ऑयल डालेंगे वो सीज तो नहीं है, उसको थोड़ा सा क्रैक करना होता है आपको, पूरा रिमूव नहीं करना होता अभी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी गलती से कर दिया था। पता चले आपने सारा ट्रांसमिशन का ऑयल निकाल लिया, सब कुछ कर दिया और बाद में ये नट सीज है, तो सबसे पहले इसको रिमूव करना होता है। बट मेक श्योर कि आप इसको अभी रिमूव ना करो क्योंकि यहाँ से ऑयल निकल जाएगा अगर गाड़ी गर्म है तो। इतनी सारी मिस्टेक के बाद अब हमने नीचे से इसका जो ट्रांसमिशन का चेंबर है उसका नट रिमूव कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ब्लैक कलर का हमको जो ऑयल दिख रहा है। इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बट यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल ही ब्लैक। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेड कलर भी मुझे दिख रहा था, तो शायद किसी ने ओरिजिनल ऑयल नहीं यूज किया है कभी अगर इसमें सर्विस किया है तो। ये देख सकते हो ऐसा कलर होना चाहिए ट्रांसमिशन ऑयल का। उसके बाद हमने इसका जो ट्रांसमिशन माउंट है उसको रिमूव कर दिया था और माउंट का जो ये ब्रैकेट है उसको भी अब रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही क्लियर एक्सेस है हमारे पास इसके ट्रांसमिशन पर। ये देख सकते हो ये रहा इसका ट्रांसमिशन का माउंट। अब हम इसके जितने भी पैन के नट हैं वो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम पैन को रिमूव करेंगे। तो देख सकते हो कितना ही पुराना और कितना ही खराब इसके अंदर से ट्रांसमिशन ऑयल रिमूव हुआ है और ट्रांसमिशन के फिल्टर भी देख सकते हो आप बहुत ही ज्यादा स्लज है इसके अंदर। तो आई डोंट थिंक कि पहले कभी इसको चेंज किया है और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खराब कंडीशन का ट्रांसमिशन ऑयल यहाँ पर निकला। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर भी ये एक टाइप का स्लज बन चुका है जो कि बॉटम में पैन पर था। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे कि बहुत ज्यादा अभी पुराना ऑयल है और यहाँ से देख सकते हो फिल्टर में से भी अभी जो पुराना ऑयल निकल रहा है वो बिल्कुल भी ल्यूब्रिकेशन नहीं दे रहा ट्रांसमिशन को। तो फिल्टर को जस्ट ऐसे आपको रिमूव करना होता है। इसके अंदर कोई भी नट यहाँ पर नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ओरिंग होती है जो इसको होल्ड करती है। तो ये है इसका नीचे का ट्रांसमिशन। यहाँ पर देख सकते हो पुराने फिल्टर में और नए फिल्टर में डिफरेंस। यहाँ पर जो देख रहे हो ये सारे मैग्नेट हैं और कुछ भी यहाँ पर अगर ट्रांसमिशन में दिक्कत होता है तो मैग्नेट यहाँ पर कैच कर लेता है बेसिकली फाइलिंग्स को, मेटल फाइलिंग्स यहाँ पर ये मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर कैच हो जाते हैं।
उसके बाद ट्रांसमिशन के पैन को अच्छे से रिमूव करके साफ किया गया था। और यहाँ पर मैं जिप टाइज का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो गैस्केट है इसके ऊपर वो कहीं पर भी हिले नहीं और अच्छे से पहली बार में ही सील बना पाए। तो यहाँ पर मैंने जो गैस्केट है इसकी उसको रोकने के लिए ताकि वो हिले नहीं यहाँ पर जिप टाइज से उसको बांध दिया था। और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर नट लगा दूंगा, उसके बाद जिप टाइज को काट कर वो रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी होल्स हैं या फिर जो गैस्केट है वो अच्छे से पहली ही ट्राई के अंदर अच्छे से बैठ जाएगी और कहीं से भी ऑयल लीक नहीं होगा। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो जब भी आप ऐसे गैस्केट लगा रहे हो। तो ऐसे नट लगाने के बाद जितने भी हमारी जो टाई बेल्ट थी उसको काट दिया गया था और जितने भी इसके नट थे उसको टाइट किया गया था। मेक श्योर इसके अंदर जिगजैग पैटर्न के अंदर आप टाइट करो। ऑल्दो स्टार्टिंग में आप सारे नट को एक बार ऐसे स्नग कर सकते हो कि अपना हैंड टाइट हो जाए सारे। और इसको 12 न्यूटन मीटर तक टाइट करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। सो नॉर्मल हैंड टाइट ही काफ़ी है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो गैस्केट है वो अपना काम करेगी। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो गैस्केट है वो इवनली स्प्रेड हो और कहीं से भी ऑयल लीक आगे जाकर ना हो। तो ट्रांसमिशन का पैन वापस लगने के बाद हमको इसको अच्छे से फिल करना है। तो स्टार्टिंग में मैं इसके अंदर 5 लीटर्स डाल रहा हूं और हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना आता है। और यहां पर आप कलर देख सकते हो ट्रांसमिशन फिल्टर का, जैसा हम डाल रहे हैं और कैसा हमने निकाला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो हमने निकाला वो बिल्कुल ब्लैक है। ट्रांसमिशन की सर्विस का कॉस्ट अराउंड 25,000 आता है इस गाड़ी के लिए, अगर हम गैस्केट को जोड़ें, ट्रांसमिशन के फिल्टर को जोड़ें और जो इसका ऑयल है उसको जोड़ें। तो ये तीनों का कॉस्ट 25,000 आया है मेरे लिए। तो इसके अंदर 4.5 लीटर अभी ट्रांसमिशन ऑयल आया है और उसके बाद गाड़ी को हमको स्टार्ट करना है, सारे गियर्स को आराम से लगाकर देखना है और इसके टेम्परेचर को चेक करना है। हमको इसको दोबारा फिल करना होता है 42 to 50 degrees पर। तो यहाँ पर मैं आपको स्कैनर पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे गियर बॉक्स का और ऑयल का। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास भी यहाँ पर ऐसे कोई भी स्कैनर है तो यहाँ पर देख सकते हो इसका अभी टेम्परेचर क्या है और हमको नीचे एटलीस्ट 44 या 45 degree पर हमको इसका जो फिल प्लग है वो नीचे रिमूव करना है और उस टाइम पर कोई भी ऑयल नहीं निकलेगा उसके अंदर से, क्योंकि ये फिल प्रोसीजर है, 2 to 3 times फिल करना पड़ता है। तो ये 2 times फिलअप होता है एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, जो कि कोल्ड में हमारा फिलअप हुआ अभी 5 liters आया इसके अंदर ऑलमोस्ट। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर और 45 degrees तक एटलीस्ट ले जाएं और उसके बाद हम रनिंग गाड़ी के अंदर, गाड़ी ऑन होगी, इंजन ऑन होगा, उसके बाद हम जो फिल प्लग है उसको रिमूव करेंगे तो वहां से कोई जो ट्रांसमिशन का ऑयल है वो वापस नहीं आएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद 2-3 liters और ट्रांसमिशन ऑयल आएगा और उसके बाद अब जो ट्रांसमिशन है वो टॉप लेवल तक है, मतलब उसका जो ऑयल का लेवल है वो पूरा है। पूरा ऑयल डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐसे स्ट्रीम आने लग जाएगा दोबारा से, और ये जब स्ट्रीम थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप इसको टाइट कर सकते हो। तो देख सकते हो थोड़ा सा और होने के बाद हमने इसको टाइट कर दिया था और यहाँ पर मैं गाड़ी को ड्राइव पर लेके आया हूँ। तो अगर आपको गियर्स में कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप तीसरी बार और ट्राई कर सकते हो। 45 डिग्री पर आप जब रिमूव करोगे, अगर ऑयल लेवल कम होगा ट्रांसमिशन का तो वहां से कोई भी ऑयल नहीं आएगा, अगर वो फुल होगा तो थोड़ा थोड़ा ड्रिप वहां से होगा। तो उससे आपको इसका अंदाजा लगाना पड़ता है या एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि ट्रांसमिशन को अभी और ऑयल की जरूरत है या नहीं। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगले वीडियो में। It to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.